हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉसम ब्लॉसम फैमिली। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ममार्थ के न्यूली लॉन्च ब्रिंग आमला शैम्पू विद भृंगराज एंड आमला और ममार्थ के ही ब्रिंग आमला कंडीशनर विद भृंगराज एंड आमला। फ्रेंड्स, इस शैम्पू एंड कंडीशनर के कॉम्बो को यूज़ करते हुए मुझे 15 डेज हो चुके हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस कॉम्बो का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि इस कॉम्बो को यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्राइस की। दोनों ही प्रोडक्ट का प्राइस है 349 रुपीज़ और 349 रुपीज़ में दोनों ही में आपको सेम क्वांटिटी मिलती है 250 ml और दोनों की ही सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स और दोनों ही प्रोडक्ट पैराबिन एंड SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये सभी टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम भृंग आमला शैम्पू की। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आमला, ब्राह्मी, मेथी, सिकाकाई, मंजिष्ठा, नीम। यहाँ पे इसके फुल इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी गई है और इसके नीचे मेंशन किया गया है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। सो ये शैम्पू आपको अपने वेट हेयर पर यूज़ करना है, स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है और फिंगर टिप की हेल्प से आपको इसको मसाज करनी है ताकि आपके बालों में जो ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए और इसके बाद आपको अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपको यूज़ करना है ममार्थ का ब्रिंग आमला कंडीशनर। और ये जो शैम्पू है ये क्लेम करता है कि ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ट्रीट्स डैंड्रफ एंड ड्राई स्कैल्प एंड मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट। ये जो शैम्पू है फ्रेंड्स ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। सो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आपके बालों को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसको ओपन करके इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये लाइट ग्रीन कलर का आता है और फ्रेंड्स इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक नहीं है, आप देख सकते हैं बहुत ही थिन है इसकी कंसिस्टेंसी और मुझे इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ममार्थ के ब्रिंग आमला हेयर रेंज की जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी की फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है बट ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये बह रहा है, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे और इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ होती है इस शैम्पू की। तो चलिए ये तो हो गई शैम्पू की बात, अब बात करते हैं हम कंडीशनर की। सो ममार्थ ब्रिंग आमला कंडीशनर के जो मेन इंग्रेडिएंट की लिस्ट है वो भी इसके बैक में मेंशन की गई है और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है भृंगराज, आमला, ब्राह्मी, मेथी, सिकाकाई, मंजिष्ठा, नीम, यहाँ पर इसके बैक में आप इसके फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं और इसके नीचे मेंशन किया गया है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो शैम्पू के बाद आपको अपने वेट हेयर पर ये कंडीशनर अप्लाई करना है और ये आपको अपनी स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है, मिड लेंथ में अप्लाई करना है और आपको इसको अप्लाई करके 2 से 3 मिनट तक रखना है और फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। और ये जो कंडीशनर है ये क्लेम करता है कि इम्प्रूव्स हेयर टेक्सचर, ये आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, मेक्स हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ, आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। सो फ्रेंड्स इसमें कोई केमिकल नहीं है जैसा कि मैंने शैम्पू में बताया। चलिए अब मैं आपको इसका भी टेक्सचर दिखाती हूँ। ये भी लाइट ग्रीन कलर का है और बहुत ही क्रीमी है और शैम्पू के कंपैरिजन में ये थिक कंसिस्टेंसी में है और आप इसका कलर देख सकते हैं। और फ्रेग्रेंस की बात करें तो शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों की फ्रेग्रेंस सेम है। इस पूरी हेयर केयर रेंज की जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ऑलमोस्ट सेम है इनकी फ्रेग्रेंस। चलिए अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि इन दोनों को यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो फ्रेंड्स ये ब्रिंग आमला शैम्पू एंड कंडीशनर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं, इनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इनके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, कोई केमिकल नहीं है। सो आपके बालों को कोई भी हार्म नहीं होता है और बेसिकली जो इनमें मेन इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज एंड आमला और भृंगराज हम सब जानते हैं कि वो हर्ब्स का किंग होता है। सो भृंगराज हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और ड्राई स्कैल्प को और स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर करता है और इसमें है आमला, सिकाकाई, इरेठा जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं और हेयर फॉल को कंट्रोल करके हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ये हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है और बालों को सॉफ्ट, स्मूथ एंड सिल्की बनाता है। और इसका जो कंडीशनर है वो आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ बनाता है, आपके हेयर टेक्सचर को बालों में साइन आ जाती है जब आप इसको यूज़ करते हैं। सो ये जो शैम्पू एंड कंडीशनर का कॉम्बो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। मुझे इसको यूज़ करते हुए 15 डेज हो चुके हैं और
मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं ये दोनों ही प्रोडक्ट। और फ्रेंड्स, इनके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ मामाअर्थ के ही ब्रिंग आमला हेयर ऑयल एंड मामाअर्थ ब्रिंग आमला हेयर मास्क का रिव्यू भी शेयर किया था। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कंप्लीट हेयर केयर रेंज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप इस कम्प्लीट हेयर केयर रेंज को आप फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स 15 डेज में ही आपकी ऑलमोस्ट हर हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये जो हेयर केयर रेंज है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और स्पेशली इसका हेयर ऑयल, ये एक स्पेशल विधि से बना हुआ है, चीरपाक विधि। आप इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइडेड है, सो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हेयर केयर रेंज है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके शैम्पू एंड कंडीशनर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। मैंने जब इसको दो बार यूज़ किया तभी मेरा हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया, और अब जब मैं कॉम करती हूँ तो मेरे मुश्किल से 4 या 5 बाल गिरते हैं। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई थे और आप देख सकते हैं कि मेरे बालों से ड्राइनेस भी दूर हो गई है। मुझे ये हेयर केयर रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और ये सभी टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, आपकी स्कैल्प ड्राई है, आपको डैंड्रफ का इशू है, तो आप इस हेयर केयर रेंज को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, और अगर आप इस कंप्लीट हेयर केयर रेंज को फॉलो करते हैं तो आपके जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर का इश्यू है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर को भी प्रिवेंट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप इस हेयर केयर रेंज को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पास ही में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।